क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने वाला एक नया एप्लीकेशन आ चुका है, जहां पर अभी हम साइन अप करके आपको बताएंगे कैसे यहां पर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर किया जाता है और यहां पर अकाउंट क्रिएशन और कैसे आप यहां पर बैंक को ऐड करेंगे, क्रेडिट कार्ड को ऐड करके वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ यहां पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। तो पहले आपको यहां पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहां पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आप डाल देंगे तो यहां पर कार्ड की सेक्शन दिखाएगा, जहां पर आप कार्ड डिटेल डाल सकते हैं। तो कार्ड डिटेल डालने के लिए आपको यहां पर कार्ड का जो नंबर होता है यहां पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको और कार्ड डिटेल जैसे कि एक्सपायरी डेट और यहां पर कार्ड का सीवीवी डाल देना है और ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वेरीफाई करना होगा आपकी कार्ड को। लेकिन यहां पर वेरीफाई करने के लिए 3 स्टेप दिया गया है। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर आपका कार्ड वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं कॉल बटन पर क्लिक करके। नहीं तो आप यहाँ पर ऊपर जो दिख रहा है वेरीफाई विथ आधार अपलोड कार्ड करके भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई आधार पे आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाएगा, आधार का फ्रंट और आधार का बैक अपलोड करने के लिए, या आपको यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसे कि ओटीपी के थ्रू होता है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ओटीपी सेक्शन शो कर रहा है, जहाँ पर मैं मेरा जो आधार का फर्स्ट 8 डिजिट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर होता है वहाँ पर ओटीपी आ जाता है, वही नंबर से आप इसको साइन अप कीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर चाहता है कि आप आधार लिंक मोबाइल नंबर से ही इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करें। तो ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, ओटीपी को मैंने डाल दिया और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा जो ओटीपी ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन भी आ चुका था, यहाँ पर हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कार्ड को भी वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए देख सकते हैं कार्ड डिटेल हमने जो पहले भरा था वो शो कर रहे हैं हमको। उसके बाद कार्ड को अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर अपलोड कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताएगा कैसे आप यहाँ पर कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो ये आपको डेमो बताएगा कैसे आप कार्ड को रखेंगे और फोटो खींचेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर लोगे और यहाँ पर वेरीफाई के लिए सेंड कर दोगे। तो कुछ समय बाद ये वेरीफाई हो जाता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कॉन्टैक्ट भी करके कह सकते हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको ऊपर ऐसा ही वेरीफाइड का सिंबल आ जाएगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप पे पर जाके यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट चाहिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कैटेगरी का ऑप्शन, आप जहाँ चाहें उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अकाउंट नंबर चूज करना होगा, तो यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड सारे डिटेल आप यहाँ पर चूज करेंगे, उसके बाद वेरीफाई अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल चूज कर चुका हूँ और वेरीफाई अकाउंट डिटेल पर क्लिक करता हूँ। तो ये शायद 1 रुपया सेंड करके वेरीफाई करता है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे कैसे यहाँ पर वेरीफाई होता है और यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मैं ऑटोमेटिकली बैंक नंबर के थ्रू यहाँ पर मेरा जो नेम है वो ऊपर शो कर चुका है। तो यहाँ पर प्रोसीड एनीवे पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा और मैं सक्सेसफुली क्लिक करके पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लो चार्जेस में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पर जितना भी अमाउंट आप चाहिए तो यहाँ पर डाल के आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।